कह रहे यार, अरे टोपी वाला आ गया, देख दाढ़ी वाला आ गया। Do you have ID? ID, yeah, gotcha. मैं बोला ना, टोपी पहनने के बाद भाई ऐसा होता है। तुम बोलते हो ये बेवकूफी है भाई, उससे अच्छा मत करो तो अच्छा है, लेकिन आज मस्जिद नहीं जा पाऊंगा। मेरे काम है ना, घरों के अंदर इफ्तारी कैसे होती है, अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। Hi guys, welcome back to our channel. कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी हम लोग वहां पर चलते हैं भाई, जहां पर कैफ का एक्सीडेंट हुआ था आज से 3 दिन पहले। लेकिन ये वीडियो में आगे बताने से पहले, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ मैरीलैंड स्टेट में रहता हूँ अमेरिका में, और यहीं से वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और मैं ट्रैवल भी करता हूँ। और इस वीडियो में एक और मुझे बात करनी थी भाई, हम मुसलमानों के लिए जो भाई टोपी पहनकर अमेरिका में जब घूमते हैं ना तो क्या होता है, पहले वो स्पॉट पे चलते हैं भाई जहाँ पर कैफ का एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उधर कैफ का और उसके दोस्त का, और गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई। मैं अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। कैफ इधर खड़ा है। ये क्या गाड़ी की हालत करती है लोग यार, कैफ खड़ा है और ये दूसरे की गाड़ी है भाई। अभी कल ही हम लोग आए और ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी तो पूरी गई यार। ये ऐसे कैसे हुआ यार, बहुत ज़्यादा हो गया यार पूरा। देखो लिक्विड लिक्विड शिट। देखना पर कैफ ओके है, कैफ को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसका दोस्त है उसको थोड़ा ज़्यादा मार लग गई है। इसके दोस्त को ज्यादा मार लग गए, ये नो डेमोन को ज्यादा मार लग गए। देखो देखो इसको शायद थोड़ा सेंस भी नहीं लग रहा है। लुक क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे वो ये भाई इमरजेंसी में हम लोगों ने कैब को लेके आया। यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ, ये हॉस्पिटल है। गनीज अंदर गई उन लोगों को बोलने के लिए कि भाई व्हील चेयर लेके, ऐसे चलने वाले नहीं हो रहा है। अभी इसको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ इसके साथ में। अभी यहाँ हॉस्पिटल में बैठे, इसका नंबर आने का वेट कर रहे। ये हॉस्पिटल है भाई, कैफ बैठा हुआ है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर आने का। अभी जैसे हम लोगों का नंबर आया, अब आ रहा है ये सब अपना सामान लेकर और ये सारी चीजें लेकर। ये देखो, तो अभी जो आपने वीडियो देखे ना भाई, वो छोटा सा वीडियो। अभी आप लोग काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और आप वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो हाँ भाई वीडियो बनाने की जरूरत थी। और उसकी वजह क्या है, यहाँ के रूल्स के हिसाब से मैं आप लोगों को एक एक चीज अभी समझाता हूँ। पहले चीज हुआ क्या था ना, आप लोग ये समझो, कैब का दोस्त गाड़ी चला रहा था, उसका दोस्त वो लोग है ना वहां से वो लोग ड्राइव करके आ रहे थे। अभी देखो जैसे ये बंदा जा रहे ड्राइव करके आ रहे थे, ये सामने ये दिख रही है, ये जो साइन लिखी है इसके पीछे ना स्टॉप साइन लिखा हुआ है, आपको ना बता दो जल्दी से क्रॉस करके। तो अब यहाँ पे अमेरिका के ना भाई रूल के हिसाब से ये आप देख रहे हो, ये प्रॉपर क्लियरली स्टॉप साइन लिखा हुआ है। ये सब है ना नेबरहुड है, मतलब यहाँ पे लोगों के घर है। अब क्या होता है, जब आप कोई भी बंदा इस एरिया से बाहर निकलेगा, वो अप्रोच कर रहा है भाई मेन रोड को, मेन रोड पे आने के पहले ना उसको यहाँ पे रुकना है। तो चलाने वाली थी भाई बंदी, अब मैं लड़कियों को कुछ गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं खाली एक बात बता रहा हूँ कि वो जो गाड़ी जो चलाने वाली थी भाई वो बंदी थी। वो बंदी ने क्या की, गाड़ी लेके आके ना स्टॉप साइन पे रुकी नहीं, उसको क्या उसको रुकना है, चारों तरफ देखना है, फिर उसको रोड पे जाना है या लेफ्ट या राइट। वो बंदी रुकी नहीं, वो बंदी ने क्या की, सीधा यहाँ से निकली और ये लोग वहां से आ रहे थे। इतने बंदी ने यहाँ से सीधा घुस गए बिना स्टॉप साइन के और वहां पर ठोक दी। और वो लोग भाई नॉर्मल स्पीड में थे, वो लोग कोई बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं थे, इनफैक्ट ये बंदी स्पीड में थी, तो भाई इसने उन लोगों को ठोक दी। गलती किसकी थी, उस बंदी की, क्योंकि स्टॉप साइन पे उसको रुकना जरूरी था और वो स्टॉप साइन पे रुकी नहीं। तो ये था वो एरिया। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या सीन हुआ। और एक और चीज मेरे को इस वीडियो में शेयर करना है आप लोगों से कि भाई जो मेरे सर पर टोपी देख रहे हो ना, अब मैं यहाँ टोपी पहनकर रास्ते में चल रहा हूँ या रास्ते में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर क्या होता है, ये मैं अभी आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो भाई अभी एक्चुअली मैं ना वो रोड पर से चलकर भाई ये ग्राउंड में आ गया। ये यहाँ पर सब बच्चे लोग खेलने के लिए आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बड़े लोग भी आकर यहाँ पर सॉकर वगैरह खेलते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। लेकिन
अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि भाई वहां पर ना पुलिस आती है। क्या होता है यहाँ पर अमेरिका में चीजें इतने क्विक होती है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, पुलिस को कॉल करके रहो फिर पुलिस आएगी आराम से, एक्सीडेंट वगैरह हो गया ना सीधा 911 कॉल करो। और भाई यहाँ पर विद इन मैं आपको बता दो 5 मिनट के अंदर भाई एम्बुलेंस पुलिस फायर ब्रिगेड भाई विद इन 5 मिनट्स वो लोग आ जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज अमेरिका में ना भाई जो भी एरिया रहते हैं ना हर एक एरिया में कहीं ना कोई ना कोई पुलिस वाला खड़ा रहता ही रहता है, पुलिस फटाफट पहुंच जाती है। तो भाई पुलिस वगैरह पहुंची। अब एक्सीडेंट के बाद क्या होता है पता है कि यहाँ पे लोग ऐसे आपस में झगड़ा नहीं करते, तूने किया ये वो, कोई कोई आर्ग्यूमेंट करते। आर्ग्यूमेंट किस चीज के लिए करते कि भाई अपनी गलती नहीं मानते। ये होता है कि भाई गलतियां लोग मानते नहीं है कभी कभी, लेकिन मोस्टली क्या होता है पता है क्या, पुलिस आती है, पुलिस ने दोनों का स्टेटमेंट लेगी, दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से डिक्लेयर करेगा कि भाई तुम्हारी गलती है। अब जिसकी गलती हुई ना भाई एक्सीडेंट में यहाँ पे अमेरिका में, उसकी तो बैंड बज गई, क्योंकि भाई सबसे पहले आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। इंश्योरेंस नहीं है आपका तो आप तो गए भाई। अब इंडिया में कैसा होता है, बाइक वगैरह चलाते गाड़ी वगैरह चलाते लाइसेंस नहीं रहता तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर लाइसेंस का तो ठीक है, वो तो सबसे बड़ा गुना है, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है ना तो भी आपकी बैंड बजेगी। इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी फोटोज वगैरह भी मांगती है, वीडियोस मांगती है। तो क्या है अपनी सेफ्टी के लिए भाई मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं ना एक वीडियो निकाल के रख लेता हूँ। आज का है ना भाई जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, ये वीडियो वगैरह ना भाई मुझे इंडिया में भी भेजने के लिए काम है भाई, फैमिलीज को भी बताना पड़ता है कि भाई देखो ये हुआ है। इसीलिए मैंने क्या किया भाई, हम वाला वीडियो बनाया ही हूँ तो मैं बोला आप लोगों के साथ में भी शेयर करता, बिकॉज अब आप लोग भी एक फैमिली का हिस्सा हो भाई, अभी आप लोगों से हर एक चीज हम लोग शेयर कर रहे हैं अच्छी चीजें। तो मैंने बोला कि यार ये सारी चीजें भी आप लोगों से शेयर करना बनता है, आप लोगों का एक आइडिया भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा, और आप लोग दुआ करोगे तो भाई हम लोगों के साथ अच्छा होगा चीजें। तो इसलिए आप लोग है ना ऐसे ही दुआ करते रहे जैसा आप लोग कॉमेंट में दुआ करते हैं भाई, ये किसी ना किसी की दुआ ही है भाई जो लगी है। बिकॉज जो हिसाब से उसका एक्सीडेंट हुआ ना कैफ का, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसको ना सिर्फ सर में चोट लगी, वो भी एयर बैग खुलने की वजह से ना उसको सर में मार लगी, उसके ना पैर में लगा, बिकॉज वो पूरा आगे जाकर डैशबोर्ड पे पूरा लग गया भैया, डैशबोर्ड पे उसका पैर लगा, उसका पैर पूरा सूज गया। 3 दिन से कंप्लेन भी कर रहे जब से उसका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के यहाँ लेके गए हॉस्पिटल, लेके गए भाई हॉस्पिटल में दिखाया विखाया तो डॉक्टर बोल रहा था कि कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ है। जो एम्बुलेंस वाला आया था ना भाई, एम्बुलेंस वाला तो बोलता है ये कोई जादू हो गया कि भाई तुमको चोट नहीं लगी। उसने ये बोला कि भाई ये तो मिरेकल हो गया कि तुमको चोट नहीं लगी, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि तुम जिंदा हो अभी। बोला भाई ये किसी की नेकी है, किसी की कोई दुआ है भाई, जो काम आ गई उसके कोई अच्छे काम रहेंगे जो उसी के सामने है। इसीलिए ना भाई जिंदगी में हमेशा अच्छे ही काम करो, जितना कोशिश हो सके ना, कोई बुरा करने की आपके लिए कोशिश भी करे ना उसको इग्नोर करो, मत लड़ो, अपने आप को प्रूव मत करो हमेशा कि मैं सही हूँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो भाई। फिर जब ऐसा कुछ होता है ना, कोई बड़ा हादसा होता है, उसमें फिर अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ भेज देते हैं, आपकी कुछ ना कुछ मदद करके आपको बचा लेते हैं। तो खैर ये एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना भाई, ये ना पूरा सॉकर है, सॉकर यहाँ पे सब सॉकर वगैरह खेलते हैं, और अमेरिका में ना ऐसे इतने ग्राउंड है ना भाई, इतनी खुली जगह है ना भाई, हर एक चीज की भाई मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्स ना, स्पोर्ट्स को यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस देते ना, लोगों को ना खेलने की जगह मिल जाती है। इनफैक्ट क्रिकेट तक का भी अमेरिका में शुरू हो रहा है। तो कुछ ऐसा था भाई, कुछ ऐसा हुआ उसके साथ में एक्सीडेंट वगैरह कुछ ये था कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा है, खैरियत से है। बट आप लोग फिर भी कमेंट में यार उसके लिए थोड़ी दुआ वगैरह भेजते रहे ताकि वो जल्द से जल्द उसका पैर वैर भी ठीक हो जाए, तो हम लोगों को भी थोड़ा सुकून लगेगा। शाम में एक्चुअली ना मैं जाने वाला था एक मस्जिद में इफ्तारी के लिए, लेकिन आज मस्जिद नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके इधर भाई आज इफ्तारी की दावत है। तो मैं भी एक्चुअली आया हूं कनीज और कैफ के साथ में भाई, मेरे एक दोस्त है आमिर भाई, फैमिली फ्रेंड है, तो उनके घर पे आए हुए आज हम लोग इफ्तारी करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई अमेरिका में ना घरों के अंदर इफ्तारी कैसे होती है। हम लोग हर साल ना इनके घर पे आते ही आते, किसी के इधर जाए या ना जाए अमेरिका में भाई, इनके घर पे ना हम लोग इफ्तारी करने के लिए आते हैं। और उसकी वजह बताऊंगा कि इनके घर पर क्यों आते हैं भाई। ये जो भाई है ना अपने आमिर भाई, बहुत जबरदस्त इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, मीट आमिर भाई। कैसे आमिर भाई? I'm good, I'm good. Good to see you after a long time. आमिर भाई, audience wants to say hi to you and salam. Hi audience. He's an amazing cook. I'm so looking forward to this iftar. आमिर भाई घर में, और ये देखो इनकी ये दो बिल्लियां हैं भाई। आमिर भाई को भटकते रहती है, घूमते फिरते रहती है, खाते पीते रहती है, इनका रोजा नहीं है, ये लोग खा पी के मजे कर रहे हैं। आपको टूर करा रहा हूँ अमेरिका के बारे में, चीजें आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रही है तो ये मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो ये बिल्ली देखो मेरे पास आकर यहाँ पे खेलना चाहती है भाई। ये देखो इसको लग रहा है मेरे पास कुछ खाना है। तो ये अमेरिका में यार कार्स एंड कॉफी करके ना एक बहुत अच्छा इवेंट होता है, वो हर संडे को ना ये एरिया में होता है, जहाँ पे हम लोग आए थे ना, ये एरिया का नाम है भाई एनापोलिस करके है, बहुत फेमस है ये एरिया। दुनिया भर की आपको ऐसी गाड़ियां देखने के लिए मिलेगी ना। आज से 2 साल पहले मैं और आमिर भाई गए थे भाई यहाँ पे कार्स एंड कॉफी, आमिर भाई ने मुझे उसके बारे में बताए थे। तो इस बार भी अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि भाई बनाओ अमेरिका के बारे में ऐसी यूनिक चीजें भी बताओ, तो मैं जरूर ना जाके डाउनटाउन में जाकर आप लोगों को बताऊं कि भाई कार वगैरह ना यहाँ पे कैसी चलती है। तो देखते बाहर क्या हो रहा है भाई। आमिर भाई बाहर, आमिर भाई का मस्त इफ्तार की तैयारी हो रही है। आमिर भाई बहुत जबरदस्त लग रहा है ये तो। यूजुअली कैसा होता है गर्मियों में ना भाई, यहाँ पे ऐसा बाहर ऐसा बारबेक्यू वगैरह डालकर ना लोग पकाते अपने मीट वगैरह बनाते, और मस्त यहाँ पर डेक पे ना
इंजॉय करते हैं। एक्चुअली अभी फिलहाल ऑलमोस्ट कितने बज गए, तारीख लेना भाई 5-7 मिनट ही है, तो अभी आमिर भाई ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप इतना कुछ तैयार कर रहे हो यार। और भाई यहाँ पर कुछ ऐसा इनका एरिया है भाई, आमिर भाई का ये पीछे का एरिया देखो यार, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे होना चाहिए खेलने के लिए। क्या जबरदस्त नई नई चीज बना रहे हैं। अरे क्या बात है, तो एकदम यूनिक लग रही है भाई, चिकन अनियन एकदम यूनिक है। Yes. तो भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ, आमिर भाई की हिंदी है ना थोड़ी थोड़ी कमजोर है, ज्यादा कमजोर नहीं है। हाँ आमिर भाई थोड़ी सी है कमजोर, ज्यादा कमजोर नहीं है। ये भाई आमिर भाई यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए, तो लेकिन फिर भी वो हिंदी बोल लेते, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते। अंदर से आमिर भाई एक एक चीजें जो निकाल रहे ना, देखकर खुश हो रहा है। लाइफ में ना यार अच्छे लोग होना चाहिए आपकी जिंदगी में, अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली अमेरिका जैसी कंट्री में अगर आप लोग रहते ना भाई, तो अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही इज वन ऑफ देम यार, मेरे इतने ज्यादा अमेरिका में दोस्त हैं, ये है भाई इनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ भाई इनके पास आते ही हूँ। आपकी जगह पर तो ये बैठी हुई है भाई, आपका बैठोगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त इफ्तारी बनाया आमिर भाई, वेरी वेरी गुड। एवरीबॉडी इज टू क्वाइट, बहुत बिजी हो गया खाने में, सबके सब बिजी है भाई खाने में यहाँ पर। टेस्ट इज रियली गुड। तो अभी जस्ट इफ्तारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया इफ्तारी करके। वहाँ कनीस वहाँ पे अपने बर्तन धोने के लिए तैयार हो गई है, मतलब लग गई है कि भाई थोड़ा साफ सफाई कर दे, हेल्प कर दे। तो एक काम करते कैफ से पूछते हैं कि भाई हुआ क्या, तो आमिर भाई भी है ना भाई, उनको भी बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। कैफ को पूछता भाई, उससे पूछते हुआ क्या, मुझे उसने बताया तो है क्या। फिर गलती तुम लोग की थी या वो सामने वाली बंदी की थी? भाई सामने वाले बंदी की थी गलती, ये लोग एक तरफ से गाड़ी लेकर आए, तुम लोग क्या तुम लोग नॉर्मल चल रहे थे ना? नहीं अभी ये तो फिलहाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इसको ज्यादा मार लगी नहीं। सच में बता रहा जो हिसाब से एक्सीडेंट हुआ, आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह देखे भाई, ये बच गया है, आप लोगों की दुआएं भाई काम आ रही है। आप लोग इसी तरह दुआ करते रहे हमारे लिए, और इसी तरह हमें ना आप लोग सपोर्ट करते रहे यार। तो इसका काम इतना है, तो ये ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, उसको वो इतना बोल नहीं पाएगा। जब एक्सीडेंट होता है कार का, तो जिसने भी ठोका है, जिसकी गलती रहेगी उसको पूरा पे करना पड़ेगा सब कुछ। जब तक इंश्योरेंस है तो करना पड़ता, अगर इंश्योरेंस नहीं है उसके पास तो the only way you'll get your money, सू करना। सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर ही पूरा अमेरिका चलता है, मेडिकल इंश्योरेंस हो, कार का इंश्योरेंस हो, हाउस इंश्योरेंस हो, भाई इंश्योरेंस यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, और हर कोई ना भाई उनके पास इंश्योरेंस होता ही है। एक बार मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो रह सकते हो, एक्सीडेंट है तो प्लान नहीं करते तो आमिर भाई ये बोलने की कोशिश करें कि भाई एक्सीडेंट किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए उसका नाम एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट मतलब कभी भी होना भाई। तो मैं हंस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खाली आपको उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फनी तरीके से भाई, कि अगर एक्सीडेंट होता है मेडिकल इंश्योरेंस, नॉट लाइक यू आर सिक एवरी डे, बट यू नो इफ यू फॉल सिक आपके पास बैकअप है भाई। और एक्चुअली आमिर भाई ना मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं भाई, उनको ए से लेके जेड तक ना मेडिकल इंडस्ट्री का पता है। रास्ते में किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसको ही पकड़ लेते भाई, एज ए सिटीजन होते हुए तेरा फर्ज बनता है कि भाई यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ ना इसके बारे में बता क्या हुआ है। तो फिर बंदा अगर कोई देखा तो बोलता है हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा, ये हुआ वो हुआ है। Then, depending, गाड़ी कहां से लगी है, किसको लगी है, the angles, what part of the car hit the other car, all of this is like being... सही बात है। तो जो पीछे से ठोकेगा भाई वो गलती में आएगा, आपके पास टाइम रहता है। तो ये ना एक्चुअली यहाँ पे इंश्योरेंस का बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है भाई, लेकिन ये होता है कि जो गलती में आ गया ना, पुलिस ने लिख दिया स्टेटमेंट में भाई, अब पूरा खर्चा है ना भाई वो सामने वाला बंदा ही भरेगा। तो जिसको जितनी माल लगी है उसके हॉस्पिटल का, उसकी गाड़ी का, वाड़ी का, गाड़ी का तो खैर इंश्योरेंस कंपनी देगी, ऐसे भी इंश्योरेंस कंपनी ही देती है पूरा पैसा। ये मेरे कान में गुड़गुड़ा रही है भैया तो खैर ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था आपसे कि भाई क्या क्या होता है अमेरिका में, क्या डील होती है। तो अगर पहली बार अमेरिका आ रहा है, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो भाई आप लोगों को पता चल जाएगा, आपको पता इतना तो डिटेल पता चल गई कि भाई कैसे क्या क्लेम करना है। बात करते हैं भाई टोपी पहन के अमेरिका में जब घूमते ना, जब मैं अमेरिका पहली बार आया था ना भाई, एज अ मुसलमान मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कुर्ता पहन के जब बाहर निकलता था ना, तो लोग ना ऐसा देखते थे, कह रहे भाई ये क्या है, कौन जा रहा है भाई, मतलब एक नमूने लगते भाई। अब इस वक्त ऐसी कंट्री में भाई, अंग्रेजों की कंट्री है, उसमें अगर आप कुर्ता पैजामा पहन के निकलोगे, टोपी पहन के, सोचो जब से बाहर निकलेंगे कोई नहीं पहना हुआ रहता भाई। ये लोग क्या कभी इंडियन की शादी वादी में जाते, इंडिया जाते तो इन लोगों को पता है कि भाई कुर्ता पहनते हैं, पाकिस्तान जाते हैं उनको पता है कुर्ता पहनते हैं। जब यहाँ पे किसी को कुर्ता पहना हुआ देखते ना, अरे भाई ये क्या है, बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग खाली बुरी बुरी नजर से ही देखते हैं। इनफैक्ट हम लोग ने, मैंने कितनी बार, एक से दो बार शेरवानी मैंने पहना था, एक की शादी में गया था, रास्ते में चल रहा था भाई, ओ यू लुक रियली
हैंडसम, मतलब बहुत अच्छे दिख रहे हो, मतलब लोग है ना तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है खाली गलत नजर से देखते, लेकिन सिर्फ ऐसा टोपी पहन के दाढ़ी के साथ है ना भाई, मेरे को है ना थोड़ा सा कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है जिस तरीके से लोग है ना देखते, तो लोग है ना आपको एकदम वियर्ड नजर से देखते, ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई ऐसा क्यों देख रहा है यार, मतलब एक मैं भी एक नॉर्मली हूँ भैया, टोपी यहाँ पे ऐसा मोस्टली लोग पहन के घूमते नहीं है। न्यूयॉर्क में कोई कोई जगह है भाई, कोई कोई सिटी ऐसी है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहते और मोस्टली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग ही रहते, वो तो मतलब पूरा है ना मिनी इंडिया के नाम से ही जाना जाता है भाई। भाई जो अपने को करना भाई देखो करना है, अपने को किसको दिखाना है, इनको तो नहीं दिखाना है, अपने को दिखाना है भाई अल्लाह को, अपन पहनते किसके लिए, करते किसके लिए, उसके लिए करते, हमारे मानने का रीजन ही वो होना चाहिए। लोग अगर हो गए ना, अगर आपका मानने का, अगर आप नमाज पढ़ते हो कुछ भी करते हो लोगों के लिए कर रहे हो ना, तुम बोलते हो ये बेवकूफी है भाई, उससे अच्छा मत करो तो अच्छा है, उसके लिए करना है ना तो फिर आंख बंद करके करो, फिर लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं ना भाई, उस पर ध्यान नहीं देना। और ऐसा मैं कुछ अपनी जिंदगी में मैं भी कुछ ऐसा ही मानता हूँ, लोग है ना लोग आपका हुलिया देखकर नहीं बोले कि ये मुसलमान है, इखलाक ऐसा होना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर मैं टोपी पहनूंगा तो ही मुसलमान हूँ या दाढ़ी रखूंगा तो ही मुसलमान हूँ, ये हमारे में फर्ज है, ये सुन्नत है भाई, ये करना ठीक, लेकिन जब लोग आपसे मिले ना उनको मिलकर ना उनके अंदर एक आवाज आनी चाहिए कि भाई ये बंदा है कौन, उसके मुंह से सवाल निकल जाना चाहिए कि भाई कौन से धर्म को मानते हो आप। ऐसे यहाँ पर ऐसा इतना पर्सनल सवाल तो कोई किसी को पूछता भी नहीं अमेरिका में, किसी के धर्म के बारे में तुम किसको फॉलो करते हो, कौन से पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, यहाँ पर ये सवाल कोई नहीं करता है, बहुत बड़े सवाल होते हैं यहाँ पर किसी को पूछना कि भाई तू कौन से धर्म से, लेकिन आपके इखलाक ऐसे होना, आप ऐसे इस टाइप के इंसान होना भाई कि सामने वाले के अंदर सवाल उठे कि भाई कौन है ये, अगर उसको पता चल रहा है भाई एक मुसलमान है तो उसका मन करेगा भाई क्या धर्म है यार, क्या लोग है यार, लोग ये नहीं बोले कि अरे यार अरे टोपी वाला आ गया, अरे यार देख दाढ़ी वाला आ गया, ऐसा बन के भी घूम रहे हो ना तो भाई किसी से जब मिलो तो उसको ऐसा लगे क्या सही बंदा यार रिप्रेजेंट कर रहा है इस्लाम को, बिकॉज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हम लोग कहीं भी जाते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, और जरूरी नहीं दुनिया के बाहर जाके ये सारी चीजें करो, आप अपने देश में भी रहकर मैं चाहता हूँ कि यार लोग है ना ऐसे फॉलो करें अपने धर्म को कि यार इंसान बन के रहे ना इस तरीके के, जानने वाला, बोलने वाला, सोचने वाला, सोचते रह जाए, यही एक मैसेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। अगर अभी देखो मैं रुक इसीलिए गया क्योंकि भाई वो बंदा ना मेरे को गाड़ी में से इतना अजीब तरीके से देखकर गया ना, मैं बोला ना टोपी पहनने के बाद भाई ऐसा होता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली भी देख के जा रहा हूँ, शायद से मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, बट मैंने बहुत जगह है ना भाई ये चीज रियलाइज किया कि लोग है ना वियर्ड तरीके से देखते हैं। ये एक ग्राउंड है मेरे घर के पास ही जहाँ पर भाई अलग अलग चीजें बच्चों के लिए बनाई गई है, यहाँ पे इतना बड़ा पार्किंग लॉट है, वहाँ भी पूरा बेसबॉल वगैरह खेलने के लिए, मैं सोच रहा था कि ना एक बेसबॉल के ऊपर ना एक वीडियो बनाओ यार, मेरे पास है ना कुछ टिकट्स आई, अगर इस वीडियो में अगर कमेंट आया ना बहुत सारा तो मैं ना एक बेसबॉल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि भाई बेसबॉल अमेरिका में क्यों इतना पॉपुलर है, वो गेम भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो क्या बोलते हैं वीडियो बनाओ ऐसी कुछ, और मैं खुद पहली बार देखने जाने वाला हूं, मैंने इसके पहले बेसबॉल कभी देखा भी नहीं, मेरे को उसके रूल्स भी नहीं पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर जा रहा हूं ना तो मेरा पहला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और भाई बताओ कि अमेरिका में इन लोग का क्रिकेट कैसा खेलते हैं लोग, बेसबॉल लोग, दुआ करते रहे इसी तरह, और हम लोग बस इंशाल्लाह अपनी कोशिश करते रहे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर दिखाए। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में।